अशोक गहलोत साहब के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिसको विशेष रूप से गहलोत साहब अपने भरोसेमंद व्यक्ति मानते हुए, जिनके साथ छाया की तरह उनके साथ रहते थे, जब उन्होंने उनकी कलाई खोली और ये कहा कि टेलीफोन सर्वेलेंस पर भी लिए गए, टेप भी किए गए और कई घोटाले भी किए गए, तब गहलोत साहब का ये कहना कि कौन लोकेश शर्मा, यह आस्पद बात है। वो लोकेश शर्मा जिनके एक दो नहीं सैकड़ों फोटोग्राफ्स होंगे मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए बैठे हुए, जिन्होंने कई बयान दिए मुख्यमंत्री जी के पक्ष में, आज गहलोत साहब उनसे दूरियां बनाए हुए हैं। मेरी तो मांग है, मैंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को, कि इसकी जाँच होनी चाहिए, वो किरदार सामने आना चाहिए जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर टेलीग्राफ एक्ट 1955 की धाराओं को दत्ता बताते हुए और कानून को दत्ता बताते हुए टेलीफोन सर्वेलेंस पर लिए, टेप किए और मुख्यमंत्री जी का किस्सा कुर्सी में हिस्सादार बने, उनके चेहरे से भी नकाब हटना चाहिए, चाहे वो कुछ भी उच्च पदस्थ कहीं बैठे होंगे, आज भी सरकार में किसी जगह पर पदस्थापित होंगे। ऐसे लोगों का सरकार में बने रहना सबके लिए संकट की बात है, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार के कृत्य से लोकतंत्र पर निशाना लगता है, छोटा होता है लोकतंत्र, यह हम सब के लिए चुनौती की बात है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पर खुद के उनके सहयोगी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आरोप लगाए और मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी कहे कि ऐसा होता रहता है। मैं समझता हूँ ये दाल ही दाल में काला नहीं, काली ही दाल है पूरी। दूसरा मेरा सवाल, चूंकि एक सवाल उठा है कि इस बार जो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत कर रही है, लेकिन कांग्रेस 23 सीटों पर टक्कर दे रही है, उनका दावा है कि 30 की हैट्रिक नहीं बनने देंगे। देखिए, पिछली बार का चुनाव आपको याद होगा, यही समय था, इसी प्रकार इंटरव्यू हो रहे थे और कांग्रेस दावा कर रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लेगी, यानी 13 सीटें लेंगी, और निकला ढाक का 3 पात, मिशन 25 पूरा हुआ। इस बार भी उसी प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस के कितने नेता कर रहे हैं, पर जब मत पेटी खुलेगी 4 तारीख को तो नतीजा सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 पूरा कर चुकी होगी। अधिकतर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो वहाँ पर मतदान पिछले बार की तुलना में कम रहा है, तो वो किसके पक्ष में नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस को बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर अच्छा मतदान हुआ। कांग्रेस के लोग युद्ध से पहले हथियार डाले हुए थे, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जिस प्रकार चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश की और बड़े नेता बचे भी और कई घोषित प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना करने के कारण टिकट बदलनी भी पड़ी, कांग्रेस का कार्यकर्ता घर से निकला ही नहीं। कांग्रेस के पक्ष में जो मतदान किया करते थे वो घरों में बैठे, पहले पराजय को स्वीकार करते हुए घरों में बैठे रहे, इसलिए जो 2-3% का अंतर आया है वो कांग्रेस के मत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का मत मचल के निकला है और उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान भी किया है।